हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम मैट्रिसेस चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्सन मेथड। सो हमें गिवन इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग इन्वर्सन मेथड। ओके, सो सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन लिख लेंगे हम, एक्स प्लस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू टू एंड ट्वाइस एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री। सो हमें इन्वर्सन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। राइट द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। सो देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स, अब फर्स्ट मैट्रिक्स में हमें वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट लिखना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट वन, यहाँ पे वाई का कोएफिशिएंट टू, यहाँ पे टू और ये थ्री, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें कॉलम मैट्रिक्स बनाना है। यहाँ पे वेरिएबल एक्स और वाई है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई, ठीक है, दैट इज इक्वल टू टू एंड थ्री, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि हमें इस तरह से हमें इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट ए इज अ मैट्रिक्स वन टू टू थ्री एंड एक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई एंड बी इज अ मैट्रिक्स टू थ्री। ओके, इसे हमने ए कंसिडर करा, इसे एक्स और इसे बी कंसिडर करा, ठीक है। दैट इज इक्वेशन बिकम्स ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है, ए एक्स बी। अब हमें क्या करना है, हमें एक्स फाइंड करना है, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ध्यान में रखना, हमें पहले मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हम लिखेंगे प्री मल्टीप्लाई, ठीक है, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड। सो क्या हो जाएगा, प्री यानी कि पहले ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ओके, ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी हो जाता, दैट इज आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसको भी मल्टीप्लाई करें तो वैल्यूज चेंज नहीं होती, हमें पता है। तो एज इट इज एक्स रहेंगे, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। सो हमें इक्वेशन मिली है, मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए इनवर्स इंटू मैट्रिक्स बी, ठीक है जी। हाँ, ये जो हमारा इन्वर्सन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमें पहले अब क्या करना होगा, हमें ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करना होगा। ओके, सो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा ए का, देयरफॉर नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, वैल्यू हमने थी वन टू टू थ्री, ठीक है, दैट इज इक्वल टू थ्री माइनस फोर, दैट इज इक्वल टू माइनस वन। ओके, तो हमें माइनस फाइंड करना है ए इनवर्स के लिए। अब हमें जो ए इनवर्स है, ठीक है, हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और एडजॉइंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट एडजॉइंट मेथड इजी है तो हम उसी का यूज करेंगे, ठीक है। माइनर ऑफ एलिमेंट्स आर एम वन वन, ठीक है, वन का माइनर थ्री हो जाएगा, एम वन टू, टू का माइनर टू हो जाएगा, एम टू वन, ठीक है, इस एलिमेंट का माइनर टू हो जाएगा और एम टू टू यानी इस एलिमेंट का माइनर वन हो जाएगा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो वन 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 टू टू वन टू टू क्या है, एलिमेंट्स की पोजीशन है, ठीक है। वन वन मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वन टू मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है ना, इसी तरह से आगे भी है।
माइनस फाइंड करने के बाद हमें कोफैक्टर फाइंड करना होगा। सो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स आर, कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो जो कोफैक्टर की वैल्यू है हमें पता होनी चाहिए कि वो माइनर की वैल्यू, जो वैल्यू माइनर्स की होती है वही वैल्यू कोफैक्टर की होती है जो इनकी पोजीशन देकर है, ठीक है। वन वन, अगर इनका एडिशन इवन आता है, जैसे 1 + 1 टू इवन है, तो जो वैल्यू माइनर की रहेंगी वही वैल्यू हम कोफैक्टर की लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर इनकी पोजीशन का जो एडिशन है वो ऑड आता है, जैसे कि 1 + 2 3 ऑड हो रहा है, तो बस क्या करेंगे हम माइनर की साइन चेंज कर देंगे। ये 2 है तो यहाँ पे हम -2 ले देंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएंगी, और लास्ट वाला 2 + 2 4 होता है तो एज इट इज़ 1 रहने देंगे हम, ठीक है। देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स आई जे, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स है हमारे ये 3 - 2 - 2 1। कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गया। अब ए इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट भी चाहिए, तो हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। नाउ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स का क्या करते हैं हम ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, सो ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रोज है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, जो कॉलम है वो रोज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे कि 3 - 2 कॉलम में है तो हम 3 - 2 रो में लिख देंगे, -1 - 2 1 कॉलम में तो हम उसे रो में लिख देंगे, ठीक है। अब इसे चेंज करने पे कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई, एज इट इज ही हो रहा है, ठीक है, ऐसा कभी कभी हो जाता है, ठीक है। सो अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू 1/ डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड किए थे -1 थी, -1 इंटू एडजॉइंट 3 - 2 - 2 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू -3 - 2 - 2 1, ओके। हमें एक्स और वाई फाइंड करना है, ठीक है। नाउ इक्वेशन वन बिकम्स, ठीक है, इक्वेशन वन है हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है ना। सो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, दैट इज इक्वल टू एक्स मैट्रिक्स में एक्स वाई था, ए इनवर्स माइनस ऑफ 3 - 2 - 2 1 इंटू मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी में वैल्यू है 2 एंड 3, ठीक है। अब हमें ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 इंटू 3, ठीक है, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 6, माइनस है तो -6। देन सेकंड रो के लिए 2 इंटू 2 - 4 +3 * 1 3, माइनस साइन है तो माइनस साइन। सो दैट इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 - 6 0 -4 + 3 - 1, माइनस ऑपरेट कर देंगे तो 0 को 0 रहेगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देयरफॉर जो एक्स है, ठीक है, ऊपर है तो यहाँ पे भी ऊपर वाली वैल्यू हो जाएंगे 0, और जो वाई है नीचे है तो वाई की वैल्यू हो जाएंगी 1। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ट्वाइस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5 सोल्यूशन। सो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशंस लिख देंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ट्वाइस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब हमें इसे इन्वर्सन मेथड से सॉल्व करना है, तो हमें पहले तो गिवन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा, ओके। राइट द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स, सो यहाँ पे हमें पहले इनका
कोएफिशिएंट, वेरिएबल का कोएफिशिएंट हम लिखेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स में, ठीक है। यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 1, वाई का कोएफिशिएंट 1, ठीक है, 1 1, देन 2 -1। अब इनके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल्स को, एक्स और वाई को, ठीक है, दैट इज इक्वल टू लास्ट में 4 एंड 5, ठीक है। देन कंसिडर लेट फर्स्ट मैट्रिक्स इज ए, ए इज अ मैट्रिक्स 1 1 2 -1, देन एक्स इज अ मैट्रिक्स एक्स वाई, ओके, एंड बी इज अ मैट्रिक्स 4 एंड 5, ठीक है। दैट इज इक्वेशन बिकम्स ए इंटू एक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी, ओके। सो हम इन्वर्सल मेथड से इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे प्री मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स बोथ साइड, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। अब ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स इंटू ए आइडेंटिटी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी, गिव इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम इन्वर्स मेथड से सॉल्व कर रहे थे तो अब यहाँ तक पहुँच गए हम, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करना होगी, ठीक है। सो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले हमें ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज 1 1 2 -1, दैट इज इक्वल टू -1 इंटू 1 -1 -2 इंटू 1 2, दैट इज इक्वल टू -3, ओके। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, यानी कि हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। सो अब हमें इनके माइनर्स एंड कोफैक्टर लिखना होगा, ओके। नाउ माइनर्स ऑफ एलिमेंट्स आर, ठीक है, माइनर्स को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और 1 1 उनकी पोजिशन है, ठीक है। माइनर्स ऑफ 1 1 1 2 2 1 एंड लास्ट में 2 2। सो माइनर्स फाइंड करने के लिए जैसे कि 1 1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज इस एलिमेंट का माइनर उसके अपोजिट वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस एलिमेंट का माइनर ये हो जाएगा -1, और 1 2 का ये 1 का माइनर हो जाएगा ये 2, ठीक है। उसी तरह से ये 2 का माइनर हो जाएगा 1, और ये -1 का माइनर हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे -1 2 1 एंड 1, ठीक है। देन कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स, सो कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अभी बताया था मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में, अगर इनके एडिशन इवन है सो जो वैल्यू माइनर की रहेंगी वही वैल्यू कोफैक्टर की रहेंगी, ठीक है। और अगर इनके एडिशन ऑड है तो क्या करेंगे, माइनर की साइन चेंज हो जाएंगी, हमें कोफैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि इन इसकी साइन चेंज हो गई, इसकी साइन चेंज हो गई, और फर्स्ट और लास्ट वाला एज इट इज रहेगा, ठीक है। देन कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे हम, देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए इज -1 -2 -2 1, ठीक है। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, हम क्या जब भी हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे मैट्रिक्स का तो क्या होगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होगा, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मीन्स कॉलम को हम रोज में कन्वर्ट करेंगे और रोज को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे
यहाँ पे माइनस वन है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू यहीं लिख देंगे हम। अब ये रो है, ठीक है, माइनस वन तो इसे हम कॉलम है, ठीक है, तो इसे हम फर्स्ट रो में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज माइनस वन, ठीक है। ये सेकंड कॉलम है -2 1, इसको हम सेकंड रो में कन्वर्ट कर देंगे -2 1, ठीक है, तो ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। अब हम इन्वर्स लिख सकते हैं, नाउ ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ओके, सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड किया था -3 थी, -3 इंटू एडजॉइंट ए -1 -1 -2 1, ठीक है, ए इन्वर्स मिल गया हमें। अब हमें एक्स और वाई फाइंड करना है, ठीक है, देयर फॉर इक्वेशन वन बिकम्स एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स 1 बाय -3 इंटू -1 -1 -2 1 इंटू बी, बी क्या है 4 एंड 5, ठीक है, देयर फॉर एक्स वाई मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स एक्स, ठीक है, -1 बाय 3, अब इनका हमें मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू -1 -4 प्लस 5 इंटू -1 -5, ठीक है, देन सेकंड रो 4 इंटू -2 -8 प्लस 5 इंटू 1 5, दैट इज इक्वल टू -1 बाय 3 इंटू -9 अपॉन -3, सो देयर फॉर एक्स वाई इज इक्वल टू, अब -3 से इसको डिवाइड करेंगे तो -3 3 9 एंड -3 -3 1 हो जाएगा, देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू 1, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ थर्ड क्वेश्चन, गिवन इक्वेशंस आर ट्वाइस एक्स प्लस 6 वाई इज इक्वल टू 8, एक्स प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 5, सो सबसे पहले हम इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म, देयरफॉर मैट्रिक्स में हम पहले कोएफिशिएंट लिखेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 6 1 एंड 3, ठीक है, देन वेरिएबल्स एक्स वाई, देन कांस्टेंट वैल्यूज 8 एंड 5, ओके, सो लेट ए इज अ मैट्रिक्स 2 6 1 3, ठीक है, इसे हम एक्स कंसिडर करेंगे, एक्स वाई एंड लास्ट इज मैट्रिक्स बी 8 एंड 5, सो इक्वेशन बिकम्स ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है, सो हमें इन्वर्सन मेथड से सॉल्व करना है इसे, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को री मल्टीप्लाई करेंगे बाय ए इनवर्स, सो सॉरी प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ओके, देयरफॉर ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है, ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ड्यू इक्वेशन वन। अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए ए इनवर्स फाइंड करना होगा, इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, ओके, ठीक है, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 6 1 3, ठीक है,
टू इंटू थ्री सिक्स, माइनस सिक्स इंटू वन सिक्स, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे क्या है, डिटरमिनेंट कितना आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आता है उसे हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, हेयर ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, और हमें पता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं फाइंड होता। ठीक है, देयरफॉर इन्वर्स इज नॉट एग्जिस्ट। अब जब हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते तो फिर उसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस वी कांट सॉल्व फर्दर दिस इक्वेशंस। ओके, तो क्योंकि जो हमारे मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, यानी वो मैट्रिक्स क्या है हमारा, सिंगुलर मैट्रिक्स है, और हमें पता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, जब हम इन्वर्स ही फाइंड नहीं कर सकेंगे तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ये जो इक्वेशन है आगे सॉल्व नहीं हो सकता। ओके, ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिडक्शन मेथड। सो हमें इक्वेशन गिवन है, हमें इसे रिडक्शन मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर वन में हमने इन्वर्शन मेथड यूज़ किया था, अब यहाँ पे हमें रिडक्शन मेथड यूज़ करना है। ठीक है, सो सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन लिख लेंगे हम, ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव एंड थ्री एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री। ओके, तो हमें इसे भी पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा। राइट द मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, सो सबसे पहले मैट्रिक्स में हम वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट लिखेंगे। ठीक है, टू वन थ्री एंड फाइव, देन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई दैट इज इक्वल टू फाइव माइनस थ्री। ओके, अब यहाँ पे इन्वर्शन मेथड में हम क्या करते थे, इसे ए कंसीडर करते थे, इसे एक्स और इसे बी कंसीडर करते थे, फिर लास्ट में हम ए इन्वर्स फाइंड करते थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें इस तरह से नहीं करना है, हमें बस क्या करना है, रिडक्शन मेथड में ये मैट्रिक्स के फोर एलिमेंट्स हैं ना, इसमें से किसी एक एलिमेंट को हमें ज़ीरो करना है। ठीक है, सो हम इसे ज़ीरो कर सकते हैं, इसे फाइव से मल्टीप्लाई कर देते हो, यहाँ पे फाइव हो जाएगा, फाइव माइनस फाइव ज़ीरो। सो हम लिखेंगे यहाँ पे आर वन चेंज फाइव आर वन माइनस आर टू। ठीक है, देयरफॉर फाइव इंटू टू टेन माइनस थ्री सेवन, फाइव इंटू वन फाइव माइनस फाइव ज़ीरो, सेकेंड रो एज इट इज थ्री फाइव। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, इसे एज इट इज़ लिखना है, वेरिएबल से ये एक्स एंड वाई, एंड सेम ऑपरेशन हमें यहाँ पे भी परफॉर्म करना है। ठीक है, फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री ट्वेंटी एट। ओके, और नीचे माइनस थ्री एज इट इज़। ठीक है, नाउ अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे हम डबल से, एक्स इंटू सेवन सेवन एक्स प्लस ज़ीरो इंटू वाई ज़ीरो इज इक्वल टू ट्वेंटी एट। इसको इक्वेशन वन दे दो, एंड सेकंड इक्वेशन थ्री एक्स प्लस फाइव इंटू वाई फाइव वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री। ठीक है, इक्वेशन टू दे दो। फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है, सेवन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी सेवन एक्स प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ट्वेंटी एट, दैट इज सेवन एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी एट, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी एट अपॉन सेवन दैट इज फोर। ठीक है, सो हमें एक्स की वैल्यू मिल गई फोर, सेवन फोर था ट्वेंटी एट। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन टू में पुट करेंगे। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन टू बिकम्स थ्री
इंटू एक्स है, ठीक है, एक्स की जगह पे हमें फोर पुट करना है, प्लस 5y इज इक्वल टू -3, दैट इज 12। देयर फोर 5y इज इक्वल टू -3, ये 12 उधर से जाएगा, -12 हो जाएगा, देयर फोर 5y इज इक्वल टू -15। ठीक है, अब ये y, ये 5 डिवाइड में चल जाएगा, देयर फोर 5 इज इक्वल टू 5 3 15, माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू -3। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सेकंड, एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 2, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। सो सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 2 एंड 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। सो सबसे पहले हम इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, राइट द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, देयरफॉर फर्स्ट मैट्रिक्स में हम इनके कोएफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है, 1 3 3 एंड 5, इनटू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 2 एंड 4। ठीक है, हमें रिडक्शन मेथड से सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें इन फोर एलिमेंट्स में से किसी एक को हमें ज़ीरो करना होगा। ओके, सो हम इस 3 को ज़ीरो कर सकते हैं, दैट इज आर टू चेंज। अब इसे ज़ीरो करने के लिए हमें 3 से माइनस करना होगा, तो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 3R1 - R2। सो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो 3 × R1, दैट इज 3 × 1 3 - 3 0, 3 × 3 9 - 5 4। ओके, इंटू एक्स वाई ये एज इट इज रहेगा, देन यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 6 - 4 2। ओके, देयरफॉर अभी हम मल्टीप्लाई कर देंगे डबल से, एक्स इंटू 1 एक्स प्लस 3 × y 3y इज इक्वल टू 2, गिव इट 1 एंड 0 × x 0 + 4y इज इक्वल टू 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2/4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 2 से अगर डिवाइड करें हम तो 1/2 हमें मिल जाएगा। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 बिकम्स एक्स प्लस 3 × y की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 - 3/2, ये इधर से जाएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट इज x इज इक्वल टू 2 × 4 - 3/2, दैट इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन 1/2 एंड 1/2। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ थर्ड क्वेश्चन, गिवन इक्वेशन 3x - y इज इक्वल टू 1 एंड 4x + y इज इक्वल टू 6। सो सबसे पहले हमें इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, देयरफॉर कोएफिशिएंट लिखेंगे हम सबसे पहले 3 एंड -1, 4 एंड 1। ठीक है, इनटू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, दैट इज इक्वल टू 1 एंड 6। ओके, अब हमें इन्हें रिडक्शन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें
इन फोर एलिमेंट्स में से कोई भी एक एलिमेंट हमें ज़ीरो चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसे ज़ीरो कर सकते हैं, अगर ये दोनों का एडिशन कर दिए तो प्लस माइनस ज़ीरो हो जाएगा। आर टू चेंज आर वन प्लस आर टू, ठीक है। देयर फोर थ्री माइनस वन, थ्री प्लस फोर सेवन, माइनस प्लस ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, वेरिएबल एज इट इज ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम यही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सिक्स प्लस वन सेवन, देयर फोर अगेन मल्टीप्लाई एक्स इंटू थ्री, थ्री एक्स माइनस वन इंटू वाई, वाई इज इक्वल टू वन, गिव इक्वेशन वन एंड सेवन इंटू एक्स सेवन एक्स प्लस जीरो इंटू वाई, जीरो इज इक्वल टू सेवन, ठीक है। देयर फोर सेवन एक्स इज इक्वल टू सेवन, एक्स इज इक्वल टू सेवन बाय सेवन वन, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू वन हो गई है, अब हमें टू वाई फाइंड करना है। तो देयर फोर इक्वेशन वन बिकम्स, हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज थ्री इंटू वन माइनस वाई इज इक्वल टू वन। सो थ्री माइनस वाई इज इक्वल टू वन, थ्री उधर जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा, दैट इज माइनस वाई इज इक्वल टू वन माइनस थ्री। देयर फोर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू टू, ओके। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन वन एंड टू, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ फोर्थ सोल्यूशन, फाइव एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर एंड सेवन एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव। तो सबसे पहले हम इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, राइट दी मैट्रिक्स फॉर्म। देयर फोर फाइव टू सेवन एंड थ्री, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स में हमने वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट लिखे, ओके। देन सेकंड मैट्रिक्स में हम वेरिएबल्स लिखेंगे एंड लास्ट में फोर एंड फाइव। हमें इन्हें रिडक्शन मेथड से सॉल्व करना है, तो हम इन फोर एलिमेंट में से हमें किसी एक को ज़ीरो करना होगा, ठीक है। अगर हमें इसे ज़ीरो करना है तो हमें, हम इक्वेशन फर्स्ट रो को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमें सिक्स मिल जाएगा, देन हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो आर टू चेंज थ्री आर वन माइनस ट्वाइस आर टू, ओके। देयरफॉर आर वन एज इट इज़ आर टू, थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन माइनस सेवन, सॉरी इंटू टू है ना, फिफ्टीन माइनस फोर्टीन वन, एंड यहाँ पे सिक्स माइनस सिक्स ज़ीरो। एक्स वाई फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, फाइव इंटू टू टेन, ट्वेल्व माइनस टेन टू। नाउ ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे डबल से, एक्स इंटू फाइव फाइव एक्स प्लस टू इंटू वाई टू वाई इज इक्वल टू फोर, एंड एक्स इंटू वन एक्स प्लस ज़ीरो, ज़ीरो इंटू वाई ज़ीरो इज इक्वल टू टू, गिव इट वन। एंड यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू कितना मिल गया है, टू मिल गया है, ठीक है। सो इसकी वैल्यू हम इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। सो इक्वेशन वन बिकम्स फाइव इंटू एक्स, एक्स की जगह पे हम लिख देंगे टू, प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर। देयरफॉर फोर प्लस टू वाई इज इक्वल टू, सॉरी फाइव टू ज़ा टेन, टेन प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर, टू वाई इज इक्वल टू फोर
फोर माइनस टेन माइनस सिक्स, देयर फोर वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री. ओके सो विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन टू एंड माइनस थ्री. ओके सो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज थर्ड के क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हो गया है. रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे. अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.